हम रुक कर लेते हैं स्टूडियो में, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, महिलाओं को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं और इस उत्सव में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शिरकत कर रही हैं। बिल्कुल रुमाना जी, ये पिछले कुछ चुनावों से एक खास ट्रेंड है कि महिलाओं में वोट देने के प्रति रुझान पहले से बढ़ा है जी। एक कारण ये है, दूसरा ये है कि वो अब परिवार के उस तरह के दबाव से मुक्त है कि परिवार में फैसला हो गया कि फलां पार्टी या फलां उम्मीदवार को वोट देना है तो उसी के अनुसार वोट देंगी। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो पिछले 15-20-25 सालों में पंचायत की व्यवस्था, उसमें आरक्षण महिलाओं को मिला 30%, उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हो रही महिलाएं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा भी बढ़ रही है। इसीलिए हर राजनीतिक दल की नजर भी उन पर रहती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुनावी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इस समय की, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुनावी हिंसा। हावड़ा के बगनान में टीएमसी दफ्तर पर यह हमला हुआ है। अभी सुबह हमने आपको खबर दी कि बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई और अब यह टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया और लगातार जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से ये लगातार एक दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले का दौर चलता आ रहा है और अब वेस्ट बंगाल के हावड़ा में चुनावी हिंसा की ये खबर हमें मिल रही है। टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा है। रोमाना, जैसा कि आप जानती ही हैं, हिंसा की खबरें, हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ नई नहीं है और अभी मतदान शुरू हुए कुछ मिनट ही बीते हैं और हिंसा की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। बिल्कुल, क्विक रिएक्शन लेते हैं। अभय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय जी, 31 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की आज जहां पर वोट पड़ रहे हैं और 2016 के अगर नतीजों की बात की जाए, इन 31 में से 29 टीएमसी ने जीती थी, तो जाहिर सी बात है ये झड़पें तो होंगी ही क्योंकि यहां सीधे सीधे साख जुड़ी हुई है टीएमसी की और बीजेपी आना चाहती है सत्ता में। देखिए, इन सीटों पर तो टीएमसी परंपरागत रूप से बहुत मजबूत रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा के चुनाव में जो उत्तर 24 परगना है उसके अंदर तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दक्षिण 24 परगना में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी भाजपा। तो इस बार भाजपा कोशिश करेगी कि वो वहाँ अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन ये इलाका मुख्य तौर पर तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादा प्रभाव के लिए जाना जाता है। जैसे हावड़ा का इलाका है, अब हावड़ा के इलाके में जो मुसलमान वोट है, मतलब जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद है, तो इसकी वजह से भी टीएमसी के पक्ष में पलड़ा वहाँ पर झुका हुआ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की चुनावी मुहिम वहाँ चला रही है उसके पीछे मंशा ये है और वो घोषित है मंशा उनकी, खासतौर से निचले स्तर के कार्यकर्ता और मझोले स्तर के कार्यकर्ता जो हैं जिस तरह के नारे दे रहे हैं उससे वो 70-30 की 30 का मुकाबला पेश कर रहे हैं। मतलब वो जो आरोपी आरोप लगा रहे हैं कि साहब ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, जल्दी से एक रिएक्शन उसके बाद शोभना के पास चलना। देखिए, यहाँ पर ISF का भी टेस्ट होना है जी। कल उनके सिद्दीकी साहब के चाचा, जो फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी साहब हैं, उनके चाचा कह रहे थे कि ये जो ISF की सभा में भीड़ जुट रही है ये जैसे सपेरे का आप खेल देखते हैं उस तरह से खेल देखने के लिए बहुत लोग जुटते हैं, जब वो ताबीज बेचने लगता है तो भीड़ चढ़ जाती है। तो जब वोट देने का समय आएगा तो लोग नहीं आएंगे। बीजेपी की उम्मीद ये है ये डिवीजन कराने में सफल होंगे मुस्लिम वोटों का, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन भीड़ जुट रही है, लेकिन क्या भीड़ वोटों में तब्दील होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। जल्दी से चलते हैं, बड़ी खबर आ रही है शोभना के पास। बिल्कुल रुमाना, हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है मेट्रोमैन और केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ई श्रीधरन ने पोन्नई पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया है। हमें रजनीकांत की तस्वीरें भी मिल रही हैं। हम आपको बता दें कि केरल में एक चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं, मतलब आज केरल की सभी 140 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। ये देखिए ई श्रीधरन, आप देख सकते हैं मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, कोंकण रेलवे बनाने का बहुत बड़ा जिसे कहा जाए कि हीरो ई श्रीधरन को माना जाता है। मेट्रो जो देश में पूरा नेटवर्क बिछा उसके हीरो ई श्रीधरन को माना जाता है और बीजेपी ने अब क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में केरल में ई श्रीधरन को पेश किया है, तो ये देखना होगा कि क्या बीजेपी लोगों को वहां के जीत पाती है, उनका दिल जीत पाती है, क्या उस विकास के नाम पर जो बीजेपी वोट मांग रही है क्या लोग ई श्रीधरन के साथ आएंगे, इस मुख्यमंत्री चेहरे पर विश्वास करेंगे। तो ई श्रीधरन की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं रजनीकांत की, वोटिंग के लिए पहुंचे हैं रजनीकांत। और हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी 234 सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान पूरा हो जाएगा। असम में भी आज तीसरे चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ पश्चिम बंगाल में
जो बचे हुए 5 चरण है उसका मतदान बचेगा। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, मेट्रोमैन मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे हैं और रोमाना भी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं, उनके साथ 2 वरिष्ठ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। रोमाना, ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है और मतदान 3रे चरण का चल रहा है। बिल्कुल, और वोटिंग जो है बंगाल में हो रही है, बंगाल का हुगली जिला, हुगली जिले की तारकेश्वर सीट, इसी तारकेश्वर सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी के स्वप्नदास गुप्ता वो उम्मीदवार हैं। सीधे आपको ले चलते हैं, मनोज्ञा के साथ इस वक्त स्वप्नदास गुप्ता मौजूद है। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में आज 3रे चरण का मतदान हो रहा है और मैं इस समय हूँ हुगली में, तारकेश्वर में। उम्मीदवार है बीजेपी से स्वपन दास गुप्ता, बड़ा दिन है, कितनी बड़ी तैयारी आज? देखिए, तैयारी तो है, ये इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, हमारा कोई तकलीफ नहीं हो तो अच्छा से लोग, वोटर लोग, देखिए इतना अच्छा लाइन। जब महिलाओं की बात होती है तो महिला वोटर पर दोनों पार्टियां भरोसा कर रही हैं, क्या कहें इसको? देखिए, सबको तो उम्मीद है, तो मेरे ख्याल में अच्छा टर्नआउट होने से हम लोग का ही फायदा होगा। जब विभिन्न इलाके हैं, दक्षिण 24 परगना और बाकी सारे इलाकों में, कई जगह पर तो बम मिल रहे हैं लोगों के घरों से, कैसे देखते हैं इस हिंसा की गतिविधि? मैं तो तारकेश्वर में अभी हूँ और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तारकेश्वर में पोल शांतिपूर्ण हो जाएगा, और अभी तक तो हम कुछ देखे नहीं, ऐसा कुछ चिंता का विषय है। तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के आरोप हैं कि कई जगहों पर 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास से ईवीएम्स मिल रहे हैं, टीएमसी के लोग हैं, वो पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं, ये तो कम्प्लीटली रेगुलर है, तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी आज की चुनौती और सबसे बड़ा भरोसा क्या है? सबसे बड़ा लोगों का समर्थन, ये और क्या, लोगों का समर्थन और क्या, और इसी भरोसे हर उम्मीदवार अपनी उम्मीद पर कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, तारकेश्वर, हुगली, एबीपी न्यूज। क्या है कोरोना की स्थिति, कहर कोरोना का देश में? देश में कोरोना एक बार फिर बुरी तरह फैल चुका है, हर दिन पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 1,03,558 नए केस सामने आए, जबकि 478 लोगों की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में 47,288 केस, कर्नाटक में 5,289 केस, यूपी में 3,999 केस, तमिलनाडु में 3,672, दिल्ली में 3,548 केस, गुजरात में 3,160 केस और केरल में 2,357 केस सामने आए। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, इसलिए बिना वजह बाहर ना निकले और जब निकले तो मास्क जरूर पहनिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल आज, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की है। ट्वीट प्रधानमंत्री का आपके सामने, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मैं इन राज्यों के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, खासकर युवा मतदाता। तो मतदाताओं से अपील कि बड़ी संख्या में मतदान करें, खासतौर से युवा मतदाता। युवा मतदाताओं का खासतौर से जिक्र अपने ट्वीट में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस बीच आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के बड़े सुपरस्टार कमल हासन इस वक्त वोट करने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटें, सभी सीटों पर एक साथ एक चरण में मतदान हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। कमल हासन साथ में उनकी बेटी श्रुति हासन को भी हम देख पा रहे हैं, उनके पीछे काले कुर्ते में नजर आ रही हैं। मीडिया से भी वहां पर कुछ बात करते हुए, न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की,
तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।